सिलिहारी खार पोटिया के ग्रामीणों ने नाला पाट कर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। उन्होंने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और जमीन खाली कराकर फिर से नाली बनाए जाने की मांग की। ग्राम पोटिया विकास खंड के सिलिहारी खार पोटिया के ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनदर्शन में निजी कंपनी द्वारा नाली को पाट जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की और दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। जमीन खाली कराकर फिर नाली बनाए जाने की मांग। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि करेला एनिकेट से नागपुरा तक सिंचाई के लिए नाली निर्माण हुआ है, जिनके तहत लगभग 4 एकड़ शासकीय जमीन में पानी का भराव होता है और ग्राम के 300 एकड़ की जमीन इसी नाली के द्वारा सिंचाई होती है, जिसे जेके रॉय द्वारा नाली को पाट कर जमीन समतल किया गया है, जो शासकीय पट्टे की भूमि है, जिससे अब किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी हो रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। आए हुए हैं और वो जो नाली था, जो हमारे जो सिंचाई हो रहा था, उसको पाट दिया है, उसको खुलवाना है, इसलिए आवेदन देने के लिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हम लोग खुलवाना है, हमारे जो 300 एकड़ ज़मीन है उसमें पूरा सभी का सिंचाई होता, सभी किसान का सिंचाई हो रहा था, उसको पाट दिया तो जेके राय बंद कर दिया है। जेके राय कंपनी वाला है वहीं पर जो खरीदा है ज़मीन को। पोटिया से आए हैं कि हमारे गांव में एक नाली था, शाखा मुख्य नाली से एक शाखा गया था तालाब के लिए, जो सिंचाई के लिए जाता था। उसमें अभी जे किराए करके व्यक्ति ने उसको पहले पट्टे का ज़मीन था वो खरीद चुका है, लेकिन अभी उसको 2 महीने पहले उसको समतलीकरण कर दिया है। तो पहले हम लोग सूचना पंचायत को दिए थे, लेकिन पंचायत वालों कोई कार्रवाई नहीं किया है, इसलिए हम लोग कलेक्टर के पास आवेदन जमा करने आए हैं। हम लोग फिर से नाली हो और उसमें सिंचाई, कम से कम 300 एकड़ उसमें सिंचाई होता था ज़मीन। पहले तालाब में जाकर स्टोर होते पानी, उसके बाद सिंचाई होता था, पाड़ दिया है उसको ज़मीन को, नहर को पाड़ दिया है, उसको फिर से बनवाना है। नहीं, उससे बात नहीं हुआ है, वो क्या है दुर्ग में रहता है, वो बहुत कम रहता है अपने कंपनी में, जे कराए करके कोल फैक्ट्री है। सरपंच के माध्यम से हम लोग बात करने की प्रयास किया, लेकिन सरपंच ने नंबर नहीं दिया। ग्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।